सीरियल किलर्स की क्रीपी स्टोरीज तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी फीमेल सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 400 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर डाला, यह एक ऐसी सीरियल किलर है जिसका मोस्टली लोगों ने नाम तक नहीं सुना है। तो आइए जानते हैं इस सीरियल किलर के बारे में और इसकी पूरी स्टोरी को। तो ये कहानी है नर्स अमेलिया डायर की, जिसने छोटे छोटे बच्चों को मुंह और गले में सफेद टेप बांधकर मार दिया। अमेलिया लंदन की रहने वाली थी। ये 1890 के आसपास का टाइम था। तब ब्रिटेन में बेबी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था। बेबी फार्मिंग यानी लोग पैसे लेकर बच्चों को अपने पास रखते थे। जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो या फिर कुछ समय के लिए टालना चाहते हो, तो वो ऐसे बच्चों को बेबी फार्मिंग का काम कर रहे लोगों के पास छोड़ देते हैं और बदले में एक मोटी रकम देखभाल के लिए बेबी सिटर को दे देते हैं। इसके बाद बेबी फार्मिंग कर रहे लोग या तो बच्चों को खुद पालते हैं या फिर कोई उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। इस नर्स ने भी बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया था। दरअसल 24 साल की उम्र में अमेलिया ने एक अपने से 30 साल बड़े व्यक्ति से शादी की। दोनों की एक बेटी थी, लेकिन थोड़े समय बाद अमेलिया के पति की मौत हो गई। अमेलिया ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरे पति के साथ अमेलिया की शादी ज्यादा सालों तक नहीं चल पाई। अमेलिया के दूसरे पति से शादी होने के बाद दो बच्चे हुए। अब तीन बच्चों की जिम्मेदारी उस पर थी। नर्से के काम से जितना पैसा मिल रहा था उससे वो अपना घर नहीं चला पा रही थी। अमेलिया को लगा कि बेबी फार्मिंग उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए लेने लगी और बदले में उनके पेरेंट्स से ढेर सारे पैसे लेने लगी। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन इसने बेबी फार्मिंग को ठीक से किया, लेकिन फिर अमेलिया ने बच्चों के दिए गए पैसों को खुद पर और अपने बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दिया। और बच्चे बेबी फार्मिंग के लिए इसके पास आते और जो बच्चे बेबी फार्मिंग के लिए इसके पास आते ये उन्हें भूखा मारने लगी। ना बच्चों को दूध देती और ना खाना। अमेलिया की बेबी फार्मिंग में कई बच्चे मरने लगे। बात पुलिस तक पहुंची। अमेलिया को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोर्ट में अमेलिया के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसे 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। बस इसके बाद अमेलिया ने ऐसे बच्चों की फार्मिंग शुरू की जिनके माता पिता वापस उन बच्चों को कभी नहीं लेना चाहते थे। बेसिकली इसे ब्रिटेन में परमानेंट बेबी फार्मिंग कहा जाता है। टेम्परेरी बेबी फार्मिंग में पेरेंट्स कुछ समय के लिए ही अपने बच्चे को ऐसे लोगों के पास छोड़ते हैं, जबकि परमानेंट में हमेशा के लिए। अमेलिया ने अलग अलग नाम से कई परमानेंट बेबी फार्मिंग सेंटर ओपन किए और बच्चों की बेबी सिटिंग करने के नाम पर इसने लोगों से लाखों रुपए लिए। अब इसके पास कई छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन ये उनकी देखभाल नहीं करना चाहते थी। उसके बाद इसने एक एक कर अपने ही घर में बच्चों को मारना शुरू किया। ये अपने घर में ही बच्चों का मर्डर करती। तरीका वही था, हॉस्पिटल में यूज होने वाली वाई टेप को बच्चों के मुंह पर चिपका देती और फिर एक और टेप लेकर तब तक बच्चे के गले को दबाती जब तक वो बच्चे मर ना जाएं। ये उन बच्चों के कपड़े उतार कर थोड़े समय बाद थेम्स नदी या आसपास इलाकों में फेंक देती। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 4 अप्रैल 1896 के दिन एक फिशरमैन को थेम्स नदी में फिशिंग करते वक्त एक पैकेट में लिपटी छोटी सी बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। उसकी गर्दन के अराउंड एक वाइट टेप लिपटी हुई थी। साथ ही डेड बॉडी के साथ एक कागज भी मिला जिसमें एक घर का एड्रेस लिखा हुआ था। फिशरमैन ने इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी और पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची जो कागज में लिखा हुआ था, और वह एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि अमेलिया का था। पुलिस ने जब अमेलिया के घर में रेड मारी तो वहाँ कई सारे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। घर में ह्यूमन फ्लैश की बदबू आ रही थी। अमेलिया को जब अरेस्ट किया गया तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने 400 से भी ज्यादा चिल्ड्रंस का मर्डर किया है। कोर्ट ने इस खतरनाक सीरियल किलर को फांसी की सजा सुनाई। 10 जून 1896 को इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।